हे गाइस, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो पर आपको बताऊंगा कैसे फाइल मैनेजर से आप अपने एंड्रॉइड फोल्डर के सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। अभी अगर आपके फोन में एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 10 से नीचे होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर से आप आसानी से डाटा फाइल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 11 12 है तो आपको डाटा फाइल के अंदर कुछ इस तरह एक एरर देखने को मिलता है, एक्सेस डिनाइड। तो आज के इस वीडियो पर आपको आसान एक तरीके बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने डाटा फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के। इसके लिए आपका फोन रूट भी नहीं करना होगा और कोई इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस टाइप्स के वीडियो डालते हैं। और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी डिफॉल्ट फाइल मैनेजर से एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर आके हम डाटा फाइल के अंदर आते हैं तो कुछ ऐसा एरर हमें देखने को मिलता है। और काफी सारे डिवाइस पर दोस्तों कुछ ऐसा एक ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि रियलमी डिवाइस पर है। अगर आप इस व्यू बटन पर टैप करते हो तो ये गूगल का जो एक फाइल है वो ओपन होता है और इधर से आप उन सारे हिडन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो गूगल का फाइल है दोस्तों, इसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है और यहाँ से फाइल्स को कॉपी पेस्ट या शेयर करने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। और प्ले स्टोर से अगर आप कोई फाइल मैनेजर को डाउनलोड करते हो, जैसे कि मैं उस फाइल्स को डाउनलोड करके रखा हो, इधर से भी आप उन सारे फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो जो गूगल का फाइल आता है दोस्तों। इसके मदद से आप एंड्रॉइड फाइल के अंदर से सिर्फ ओबीबी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो डाटा फाइल है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इस हिडन डाटा फाइल्स को एक्सेस करने के लिए मैं जो एप्लीकेशन काफी दिनों से यूज कर रहे हो दोस्तों, वो आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको प्ले स्टोर खोलना है और सर्च करना है ZRCver, देन ये जो ऐप है दोस्तों इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और किसी भी तरह दिक्कत के बिना ही आपका एंड्रॉइड फोल्डर के सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये है एंड्रॉइड फोल्डर। इसके अंदर से मैं जब डाटा फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो आप जैसे देख पा रहे हो, जितने भी ऐप मैंने इंस्टॉल करके रखा हो इन सारे ऐप्स का जो डेटा फाइल है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी काफी सारे प्ले स्टोर पर और भी ऐप्स आते हैं जिसके मदद से आप डेटा फाइल को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उन सारे फाइल के अंदर एक ना एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि ये एक फाइल मैनेजर है दोस्तों, इसके अंदर से मैं डेटा फाइल को भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेस करने के बाद दोस्तों इस डेटा फाइल के अंदर जितने भी हिडन फाइल होगा उन सारे फाइल को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियलमी का जो थीम स्टोर है उसके फाइल ओपन करता हूँ। फाइल के अंदर के आने के बाद दोस्तों कलर ओएस देन थीम स्टोर, इधर आपको जो कि दोस्तों कोई भी हिडन फाइल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब उस सेम फोल्डर को मैं ZRCver से ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मुझे जितने भी हिडन फाइल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हिडन फाइल के पहले डॉट आते हैं, आपको पता होगा, इन सारे फाइल को मैं जो कि आसानी से एक्सेस कर पा रहा हूँ। और आप काफी आसानी से इन सारे फाइल्स को कॉपी पेस्ट चाहे तो शेयर भी कर सकते हो, आपको किसी भी तरह दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो आज तक इतना है दोस्तों। जो ट्रिक आज आपको बताया ये मैं काफी पहले से यूज करता हूँ। एंड्रॉइड 11 आने से पहले ही जो ZRCver एप्लीकेशन है ये मेरा एक फेवरेट फाइल मैनेजर है, इससे मैं काफी सारे काम करता हूँ। बाकी आप में से भी काफी लोगों को पता हो सकता है जो डेटा फाइल है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ सोचा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ। तो ये ट्रिक अगर आपको हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।